नमस्ते फ्रेंड्स, आर्ट एंड टैरो में आपका स्वागत है। टैरो कार्ड्स अपने आप में एक बहुत ही मिस्टीरियस टूल है। जब भी टैरो कार्ड से आप कोई सवाल पूछते हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि टैरो आपको कैसे जवाब देता है। आप सोचिए, इन 78 कार्ड्स में से एक कार्ड को निकालना और वो कार्ड जो है एग्जैक्टली आपकी सिचुएशन के लिए बताना कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, और आपको रिकमेंडेशन देना, आपको मैसेज देना आपकी लाइफ के बारे में, अपने आप में एक बहुत बड़ा मिस्ट्री है। खैर, टैरो अपने आप में एक जो है, इट्स ऑल बेस्ड ऑन एन अकल्ट मिस्ट्री साइंस। टैरो के अंदर अगर मुझे एक मिस्ट्री कार्ड चूज़ करना पड़ेगा, तो वो कार्ड होगा द कार्ड ऑफ द मून। तो आज जिस कार्ड के बारे में हम बात करने वाले हैं, वो है द कार्ड ऑफ द मून। कार्ड ऑफ द मून में जाने से पहले इसके कीवर्ड्स के बारे में बात करेंगे। इसके कीवर्ड्स हैं इल्यूजन, फियर, एंग्जाइटी, डिज़ायर्स, इनसिक्योरिटी, सबकॉन्शियस, माया, एक्लिप्स। सबसे पहले इसके पिक्चोरियल में जाएंगे। पिक्चोरियल में हम देखते हैं कि एक मून और एक सन दोनों कहीं ना कहीं शो कर रहे हैं, और एक तरह की एक्लिप्स की पोजीशन शो करती है। हम देखते हैं वहाँ पे एक डॉग और एक वुल्फ दोनों शो किए गए हैं, और एक क्रैब जो कि पानी में से ऊपर आ रहा है, और दो पिलर्स जो कि इनके बीच में शो किए गए हैं। कार्ड अपने आप में बहुत मिस्टीरियस है, बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं जो बात की जा सकती हैं। तो जितनी हम इसके बारे में कोशिश करेंगे, इसके गहरे में जाएंगे, इसको जानने की कोशिश करेंगे। मून अपने आप में एक असल में बहुत एक डिफ़िकल्ट कार्ड है। डिफ़िकल्ट कार्ड इन द सेंस कि ये जब फूल जो है वो जो जर्नी करके जब वो मून की तरफ पहुंचता है, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट पीरियड, इट्स अ टेस्ट फॉर द फूल। मून एक ऐसा कार्ड है जिसमें इट्स फुल ऑफ फैंटेसी, इट्स फुल ऑफ ड्रीम्स, इट्स फुल ऑफ फियर्स। आपका जितना भी अनकॉन्शियस जो भी छुपा हुआ है, मून के थ्रू जो है वो रिवील होना शुरू हो जाता है बाहर। क्योंकि हम फूल की जर्नी के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले तो इससे पहले वाला कार्ड देख लें, वो है द कार्ड द स्टार। स्टार जो है एक ग्लिम्स है, एक इट्स अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। एक ऐसा ग्लिम्स जो आपको गॉड को शो करता है, जो कि आपको एक बिजली की चौंध जो कि आपको जो है आपका रास्ता थोड़ी देर के लिए दिखा देता है, लेकिन वो रुकता नहीं है, अभी भी अंधेरा ही है आपकी ज़िंदगी में। मून जो है, इट्स लाइक अ फाइनल स्टेप बिफोर द सन। जब सन आपकी लाइफ में आएगा, तो इट्स लाइक द गोइंग अवे ऑफ द मून, द गोइंग अवे ऑफ अनकॉन्शियस फ्रॉम योर लाइफ। दूसरा, अगर आप 9 × 2 करेंगे और विच बिकम्स 18, जो 2 है वो कार्ड है द हाई प्रीस्टेस का, एंड अगेन हाई प्रीस्टेस इज अगेन कनेक्टेड टू द मून। और एक और स्टेप आगे जाते हैं, और अगर हम करेंगे 6 × 3, तो वो है कार्ड ऑफ लवर्स एंड द कार्ड ऑफ एम्प्रेस। दोनों के अंदर जो है मून साइन जो है कहीं ना कहीं बहुत इन्फ्लुएंस करता है, बिकॉज दैट इज़ ऑल बेस्ड ऑन लव एंड इमोशंस एंड योर सबकॉन्शियस माइंड। और फाइनली अगर हम 1 और 8 को जो है अलग अलग करके देखें, वो बनता है कार्ड ऑफ मैजिशियन एंड कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ। सो दिस इज ऑल्सो टाइम ऑफ फॉर द मैजिशियन टू गो एंड टेस्ट हिज स्ट्रेंथ, और दैट इज़ वाई द मून इज एक्चुअली अ वेरी मिस्टीरियस। जब भी मून कार्ड आपकी रीडिंग में आ रहा है, वो आपको ये बता रहा है कि इस वक्त आपको बहुत ही धैर्य रखने की ज़रूरत है, कुछ भी साफ नहीं है, नथिंग इज़ क्लियर। दिस इज़ द जर्नी विच यू हैव टू मेक अलोन एंड यू हैव टू फेस योर अनकॉन्शियस। और उसको अगर आपने फेस कर लिया, अगर आपने फियर्स को फेस कर लिया, अपने डिज़ायर्स को फेस कर लिया, और अगर आप इससे बच गए, देन यू विल कम आउट एज अ न्यू पर्सन, देन यू गो इन टू द रियलम ऑफ सन। एस्ट्रोलॉजी में जो मून है वो कैंसर को रूल करता है, और कैंसर का जो सिंबल है वो है क्रैब। तो अगर आप देखेंगे इसमें जो क्रैब जो शो कर रहा है, उसका रेलेवेंस जो है वहाँ से आता है। और क्रैब जो है, क्योंकि वो पानी से बाहर आ रहा है, तो उसमें एक तो ये सिम्बॉलिकल है कि लाइक इट इज़ कमिंग फ्रॉम अ लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। जो पानी जो शो करता है, वो आपके डीप अनकॉन्शियस लेवल को शो कर रहा है, और
जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ रहा है वो हमें ये बता रहा है कि इट इज़ बिकमिंग कॉन्शियस, इट्स अ जर्नी ऑफ बिकमिंग कॉन्शियस, जर्नी ऑफ अनकॉन्शियस टू बिकमिंग कॉन्शियस, दैट इज़ वॉट द जर्नी ऑफ द मून इज, एंड अल्टीमेटली वॉट वेयर द मून इज हेडिंग, मून इज हेडिंग टूवर्ड्स द सन, अल्टीमेटली जो यात्रा है मून की वो सन की यात्रा है। जब शिष्य गुरु से सीखता है तो गुरु की प्रेजेंस में वो खुद भी शाइन करता है, और गुरु जो है वो सन है और जो शिष्य है वो मून है, और एक दिन ऐसा आएगा कि जब शिष्य मून नहीं रह जाएगा, शिष्य जो है गुरु हो जाएगा, वो सन हो जाएगा। इस कार्ड में भी यही यात्रा है कि एक दिन जो है जो मून की जो यात्रा है वो है सन बनने की। मून की खुद की लाइट खुद की नहीं, मून की जो लाइट है वो सन की लाइट है, और जिस दिन जो है मून जो है सन हो जाएगा उस दिन जो है अनकॉन्शियस जो है उसकी लाइफ से चला जाएगा। यही सबकी यात्रा है, ये हमारी भी यात्रा है, ये आपकी भी यात्रा है, ये सबकी यात्रा है, और मून इज़ समथिंग विच एवरी वन हैज़ टू फेस। मून स्टैंड फॉर अनकॉन्शियस, मून स्टैंड फॉर लाइक डीपर डिज़ायर्स विच इज़ सिटिंग इनसाइड ऑफ यू, मून स्टैंड फॉर ड्रीम्स, मून स्टैंड फॉर मैनी थिंग्स विच यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड बिकॉज दे आर एक्चुअली कमिंग फ्रॉम योर डीप अनकॉन्शियस। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपने कभी फेस नहीं करा है। मून कार्ड का आने का मतलब है कि इट्स फाइनली द टाइम हैज़ कम टू टेक दोज आउट, रिवील दोज थिंग्स, रिवील दोज अनकॉन्शियस थिंग्स विच यू हैव एक्चुअली पुट इन टू योर सबकॉन्शियस, इन टू योर अनकॉन्शियस। बहुत बारी हम जिस तरह से हम अपनी लाइफ जीते हैं, बहुत कुछ अनकॉन्शियस जो है हम जो है अपने अंदर डालते रहते हैं। अनकॉन्शियसली जो है टीवी देख लिया, अनकॉन्शियसली कुछ पढ़ लिया, अनकॉन्शियसली जो है लोगों से बात कर ली, तो वो जितना भी कूड़ा कचरा जो है वो सब कुछ जो है हम अपने अंदर डाल रहे हैं। हम व्हाट्सएप के मैसेजेस पढ़ते हैं, ग्रुप्स के पार्ट्स होते हैं, कितना कुछ जो है, कितना कचरा जो है हम अनकॉन्शियसली जो है अपने अंदर डाले जा रहे हैं, वी आर नॉट इवन फिल्टरिंग इट। और मून जो है वो आपको बताता है कि वट एवर यू हैव पुट इनसाइड, वट एवर गार्बेज यू हैव पुट, इट्स टाइम टू थ्रो दैट आउट सो दैट द सन कैन फाइनली कम इन टू योर लाइफ। मून सिग्निफाइज अ टाइम इन पर्सन्स लाइफ when the imagination is very active. The person may be filled with fantasies, strong desires, daydreams, they feel more. It's a card of Maya. Maya जो है उसका जो दूसरा नाम है वो moon है, क्योंकि moon जो है अपने आप में एक ऐसी mystery create करता है कि it's only through your determination and through your sankalp you will be able to come out of it. अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन की कमी रहेगी, अगर आप फिसल गए तो मून के अंदर फंस जाएंगे। मून के अंदर अगर हम देखते हैं ये जो दो खम्भे जो ये जो शो करते हैं, दिस इज़ द रेल्म ऑफ अनकॉन्शियस। कुछ ऐसा समझिए कि ये दो पिलर्स हैं, जब भी हम ड्रीम की बात करेंगे, जब भी हम लिमिटेड की बात करेंगे, तो हमें इन दो पिलर्स को दिखाना पड़ेगा। समथिंग विच इज़ नॉट टोटली क्लियर, जब आप सपना लेते हैं तो आप जो है कहीं ना कहीं जो है डीप अनकॉन्शियस में एक ही एक एक पोल से दूसरे पोल में टक्कर मार रहे हैं, यू आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ इट। आप जिस दिन बाहर आ जाते हो उसमें, उस दिन ये दो पिलर्स भी हट जाते हैं। जिस दिन आप ड्रीम से बाहर आए उस दिन वो दो पिलर्स भी हट गए। अगर आप नहीं हट पाए, अगर आप डीप अनकॉन्शियस चले जाते हो, तो आप इस गेट के अंदर एंटर कर जाओगे, यू विल बिकम मोर अनकॉन्शियस, दैट इज व्हाट इट इज सिग्निफाइंग। सो मून इज लाइक अ चैलेंज, मून इज लाइक अ टेस्ट फॉर द फूल। मून आपके लिए एक टेस्ट की तरह है कि जब भी आपके लाइफ में जब मून आता है तो इट्स अ टेस्टिंग फेस, और बहुत सारे लोग जो हैं इसके अंदर जो है खो जाते हैं, बिकॉज मून सीम्स टू बी ऑल्सो फुलफिलिंग योर डिजायर्स, इट शोज यू मैनी मैनी ब्यूटिफुल थिंग्स, बट जस्ट रिमेंबर मून की लाइट खुद की नहीं है, क्योंकि लाइट उसकी खुद की नहीं है। तो ये बात आप मान के चलिए कि जो आपको दिख रहा है वो ज़रूरी नहीं कि हो। सो इट्स लाइक अ टेस्ट फॉर यू। मून के अगर आप टेस्ट से बाहर आ गए तो यू कम आउट ऑफ योर अनकॉन्शियस। मून इज़ द कार्ड ऑफ ड्रीम्स, इंट्यूशन एंड अनकॉन्शियस। द मून प्रोवाइड्स लाइट एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सन, yet this light is dim, uncertain, and only vaguely illuminates our path as we journey towards higher consciousness.
समझने की कोशिश करिए कि क्योंकि मून की खुद की लाइट नहीं है, तो एक बहुत ही एक जो लाइट जो आपको दी जाती है, एक जो एनवायरनमेंट जो क्रिएट होता है मून के थ्रू, इट्स अ वेरी लिमिटेड काइंड ऑफ यू नो लाइट विच इज़ गिवन, और उसके अंदर चलना जो है आसान नहीं है। और बहुत बारी अगर आपने देखा होगा कि रात के अंधेरे में थोड़ी सी रोशनी पड़ती है और आपने रस्सी पड़ी हुई देखी, बहुत बार वो रस्सी जो है आपको सांप की तरह दिखेगी। क्यों? क्योंकि रोशनी की कमी है। तो आप जब आप देखो कि जब लाइट कम है, जब मून की लाइट जब आपको शो कर रही है, तो आपकी इमेजिनेशन जो है तब काम करनी शुरू हो जाती है। यू स्टार्ट इमेजिनिंग थिंग्स विच आर नॉट इवन देयर, यू स्टार्ट इमेजिनिंग गोस्ट, यू स्टार्ट इमेजिनिंग ऑल द फियर्स विच आर सिटिंग इनसाइड ऑफ यू। मून क्या करता है, आपके छुपे हुए फियर्स और छुपे हुए जो भी आपके अंदर अनकॉन्शियस है वो सब कुछ बाहर निकालना शुरू कर देता है। सो मून इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल अपॉर्चुनिटी टू फेस योर अनकॉन्शियस, टू कन्फ्रंट योर अनकॉन्शियस, एंड स्लोली स्लोली व्हेन यू स्टार्ट फेसिंग योर अनकॉन्शियस यू स्टार्ट बिकमिंग मोर एंड मोर स्ट्रांग एंड यू स्टार्ट ऑन द जर्नी ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड यू स्टार्ट ऑन द जर्नी ऑफ सन। द डॉग एंड द वुल्फ रिप्रेजेंट द टेम्ड एंड द वाइल्ड एस्पेक्ट्स ऑफ आवर माइंड। एंड अब इसमें अगर हम देखते हैं एक जो डॉग और वुल्फ को दिखाया गया है, दिस इज आर द टेम्ड एंड अनटेम्ड साइड ऑफ आर ब्रेन और आर माइंड यू कैन से। एंड जब मून की जब स्थिति बनती है, व्हेन द मून इज देयर, इट्स लाइक दे बोथ आर हाउलिंग, और वो हाउल कर रहे हैं वो इसलिए बिकॉज नथिंग इज क्लियर, कुछ whether you are tamed or untamed, वहाँ कुछ नहीं चलता। Suddenly like everything you know becomes like unclear. तो अगर आपका mind चाहे tamed हो चाहे untamed हो, it will not make any difference because eventually what is important is that you will have to become conscious. Tamed or untamed means disciplined or undisciplined mind, it will not make much difference because eventually mind is unconscious. And what is important is that you have to bring your consciousness inside. And once the consciousness is there, then you go beyond the tamed and the untamed. Then you go beyond these two gates which are shown of unconscious. So, jab bhi the card of the moon aapki reading mein aa raha hai, it's a card of challenge, it's a card of mystery which is unfolding in your life. Isse ghabraiyega mat. इसको फेस कीजिए, एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी थ्रिलिंग टाइम फॉर यू दैट फाइनली अ टाइम इज कमिंग वेयर यू आर स्टार्टिंग ऑन द जर्नी ऑफ कॉन्शियसनेस, वेयर यू आर स्टार्टिंग ऑन द जर्नी ऑफ बिकमिंग अ कंप्लीट ह्यूमन। कि जैसे एक टाइम आ गया कि अब आपको जो है वो जो जिस तरह से एक वो जो पैटर्न से आप जीते रहे हैं, एक अनकॉन्शियस लेवल से जो आप जीते रहे हैं, एक जो पुराना जो एक एक रटा रटाया सॉफ्टवेयर जो आपके अंदर जो सोसाइटी ने डाला, जो आपके आसपास के लोगों ने डाला, जिसके कारण आप जीते रहे हैं, इट्स टाइम टू यू नो गिव अप दैट सॉफ्टवेयर, गिव अप दैट ऑटो पायलट एंड फाइनली स्टार्ट टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन लाइफ, द कंट्रोलिंग ऑफ योर लाइफ द वे यू वॉन्ट इट, द डायरेक्शन विच यू वॉन्ट, दैट इज़ वॉट द मून इंस्पायर्स अस टू डू। एंड जाते जाते मैं मून के बारे में जो है मार्क ट्वेन ने कुछ एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात बोली है, मैं उसके बारे में जो है आपको ये लाइन पढ़ना चाहूँगा। मार्क ट्वेन कहते हैं, एवरीवन इज़ अ मून, एवरीवन हैज़ अ डार्क साइड एंड ही नेवर शेयर्स टू एनीबॉडी। सो मार्क ट्वेन की भाषा में, बहुत सिंपल भाषा में वो ये बोलते हैं कि देयर इज़ अ मून विच इज़ हिडन इनसाइड ऑफ अस, hidden inside of almost every one of us, and the only way is to confront that moon, confront that darkness, and finally when you are able to confront that darkness you start moving into the sun. Aur ye waqt wo aata hai jab puri tarah se aapki life mein prakash ho jata hai and everything is taken care. So this was my reading for you for the moon. I hope you enjoyed it.
और मैं आपको अपनी नई वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्ते, टेक केयर।